कठुआ के छनरोड़िया से आई खबर के मुताबिक स्थानीय पीडीपी के नेता दीपक रैना ने पंचायत के सरपंच और उनके साथियों द्वारा उनके घर पर हथियारों के साथ हमला करने के गंभीर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई। पीडीपी नेता का कहना है कि बुधवार रात करीब 9:30 बजे वे अपने परिवार के साथ अपने घर में थे, तभी स्थानीय सरपंच करीब आधा दर्जन साथियों के साथ उनके घर पर आए और गेट को जोर जोर से डंडे मारे। घर की महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया गया। उनकी गुंडागर्दी यहीं पर भी नहीं थमी और उनके ऊपर भी हमला कर दिया। इसी दौरान हमलावरों ने उनकी गाड़ी को भी तोड़ डाला। उन्होंने जिला प्रशासन से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। रात को करीब को 9:30 बजे के करीब यहाँ के गांव छानोड़े का स्थानीय सरपंच, नायब सरपंच और पंचायत हमीरपुर का सरपंच और उनके साथ गांव के ही एक लक्ष्मी शर्मा है, एक गौरव महाजन है, शगुन महाजन है और 20-25 और गुंडे लेके जिन्होंने लाठियाँ ली थी, पिस्टलें थी उनके पास और हथियार थे और इन्होंने एकदम से जानलेवा हमारे घर पे हमला कर दिया। हम सोए हुए थे, हमारी अंदर महिलाएं भी सोई हुई थी, एकदम से अंदर आ गए और गाली गलौज करने लगे और जोर जोर से गाली गलौज करने लगे, जिसमें उन्होंने हमारे गेट को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया, फ्रंट गेट को, मेरी गाड़ी को नुकसान हुआ है। और क्या वजह क्या रही, क्यों ऐसा किया? वजह ये थी कि इन्होंने आज कल के दिन इन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम रखा था डोगरा स्वाभिमान संगठन का, इन लोगों ने वहाँ पे ज्वाइन किया और यहाँ पे डोगरा स्वाभिमान संगठन ज्वाइन करने के बाद इन्होंने कहा था कि जो भी मुस्लिम या इस्लामिक पार्टी से संबंध रखेगा उसको इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो वहाँ पे नारे भी इन्होंने लगाए तो एकदम शाम से इन्होंने कहने लगे कि आपको पीडीपी छोड़ो, पीडीपी छोड़ो, अगर पीडीपी नहीं छोड़ोगे तो यहाँ से गांव को छोड़ो आप, नहीं तो आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और मैंने कहा कि हमारी ये है डेमोक्रेसी, ये बात पीडीपी एनसी या कांग्रेस की नहीं है, जिसका अपना मन है वो कोई भी पार्टी लेके चलेगा। पर ये लगो 1-1.5 साल से मुझे परेशान कर रहे हैं कि आप पीडीपी के साथ क्यों चलते हो। तो इन्होंने 2-3 बार पहले भी मेरे से मिसबिहेव किया था, कल तो इन्होंने एकदम से 40-50 गुंडे लेके मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया और मेरे भाई को भी इसमें चोटें आई हैं, हमारे घरों में भी आपने देखा कि कुछ लोगों को चोटें आई हैं। तो उसके बाद हमने SSP कठुआ से ये अपील की और उनके पास हमने अप्रोच की थी कि SSP हमारे घर पे हमला हुआ है, तो SSP साहब ने हमें ये छोटी दी कि हमने FIR लगा दी गई है। पर मैं ये अपील करूंगा SSP साहब से कि इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि ये लोग कौन हैं, इनके पास इतने हथियार कहाँ से आते हैं और ये ऐसे शरेआम हथियार लेके घूमते हैं, ये कहाँ से आते हैं, इनकी वेरिफिकेशन हो, इनकी पूरी निगरानी हो कि ये कौन लोग हैं और जिन्होंने गांव में आतंक बचाया है। और मैं ये प्रशासन से भी अपील करूंगा, विशेष तौर पर SSP साहब से, क्योंकि मैं एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ जो PDP पार्टी है और ये लोग मुझे आए दिन थ्रेट देते हैं कि आप मुसलमानों की पार्टी के साथ चलते हो, आप मुसलमान हो, आपको ये यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। तो मुझे इन लोगों की, जो इन लोगों ने मेरे ऊपर आतंक डाला हुआ है, इससे मुझे सुरक्षा दी जाए और जल्द से जल्द इन लोगों को गिरफ्तार की जाए, ताकि जो गांव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है ये माहौल खराब ना हो। नाम करणवीर जी, मैं स्थानीय निवासी हूं छनरोड़िया का। जी बताइए कि जिस तरह का हादसा कल रात को सुनने को आ रहा है, तो क्या समझते हैं आपकी ऐसी चीजें होनी चाहिए गांव में? देखिए, ये कुल मिला के फिर से भूतकाल में धकेलने वाली बात है भारत को। मैं नहीं चाहता कि ऐसे आजाद भारत में ऐसी बातें होनी चाहिए। डेमोक्रेसी है, सबको राइट है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। अगर किसी को किसी की पार्टी में जाने से प्रॉब्लम है तो वो एक मंच पे आके बात कर सकता है, ये तरीका मुझे नहीं लगता सही है। बाकी हमारे तो ये है कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले इस पे, अगर लीगल कार्रवाई को बनती है तो करे, क्योंकि ये अब इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आज उन्होंने हमला किया है, कल ये हमला करना, इसकी कोई सीमा नहीं है और इसका जो नुकसान है भुगतना सब किसी को पड़ता है। तो हम तो यही डिमांड करते हैं कि जितना हो सके सरकारी हस्तक्षेप हो, गवर्नमेंट बैठ के देखे कि वो क्या उचित कर सकती है इसमें। SP साहब से रात को आई थिंक बात हुई है, SP साहब कुछ संज्ञान ले रहे हैं मसले का। हम तो चाहते हैं कि शांति बरकरार रहे, बड़ा पुराना गांव है, बहुत बड़ा गांव है, बड़ी पुरानी पंचायत है, शांति बरकरार रहे। अगर कुछ ऐसी बात है तो वो DC साहब को बोलेंगे कि वो खुद आके इंटरवीन करें मसले में और इंटरवीन करके बताएं कि कहीं प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। नहीं तो देखिए, आजकल आपको पता ही है लड़ाई में पीछे कोई भी नहीं है, तो वो बढ़ते बढ़ते बात ज्यादा ना बढ़ जाए। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार इंटरवीन करे, गवर्नमेंट इंटरवीन करे, गवर्नर राज है, इंटरवीन करेंगे तभी मसला हल होगा। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर KR रैना है जी।
मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैंने संजीव गुप्ता के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, मैं दूसरे नंबर पे आया था। जब से ये जीता है उस दिन से ही ये हमारे साथ तीन चार हमले कर चुका है। दो तीन मेरे हमले पहले किए, एक दिन अड्डे पे किया, और दो जो इसके साथ है कभी रिवाल्वर दिखाते हैं कभी पिस्टल दिखाते हैं, हमने फिर भी नहीं कुछ भी बोला। और रात उन्होंने हद कर दी, हमारे घर पे आके हम पे हमला कर दिया। हमारे छोटा भाई है दीपक रैना, उसको भी इन्होंने मारा, हमारा गेट वगैरह तोड़ा, गाड़ी तोड़ी और अंदर जाके शीशा तोड़ा, और इसकी चैनी थी एक वो भी ले गए, और कोई मेरे ख्याल में कुछ पैसे थे 3700 रुपया वो भी ले गया। और फिर उसके बाद हमने SP साहब को फोन किया, SHO साहब के पास गए, मेडिकल कराया, और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और अगर एक दो घंटे में उनकी गिरफ्तारी नहीं होती दो घंटे में, तो हम सारे पूरा गांव रोड ब्लॉक करने के लिए जा रहे हैं, सारी की सारी जिम्मेवारी जो पुलिस डिपार्टमेंट की होगी। अच्छा, उन्होंने जे मेरे छोटे भाई PDP में इसको बोला भी, आप PDP मुसलमान पार्टी से बिलोंग करते हो, हम आपको इधर गांव में नहीं रहने देंगे, या तो पार्टी छोड़ दो या हमारे साथ आ जाओ। वो लोग कौन सी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं आजकल? वो कल उन्होंने डोगरा स्वाभिमान पार्टी को ज्वाइन किया, काली की है, और काली हमला कर दिया, दो चार घंटे के बाद ही हमला कर दिया उन्होंने, काली हमारे पे हमला कर दिया उन्होंने। और हम गवर्नमेंट से या DC साहब से SP साहब से जे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ तो हमको सिक्योरिटी दी जाए, नहीं तो हमको जहाँ से कहीं और मकान दिया जाए, कमरे दिया जाए, हम रह जाए जहाँ पर हम अनसुरक्षित हैं। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।